बिजनौर शहर के घंटाघर के पास एक कॉफी शॉप में अचानक से सिलेंडर लीक होने की वजह से आग लग गई। दुकान में मौजूद 3 बच्चों सहित 4 लोग बुरी तरह झुलस गए। आसपास के लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और सभी झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां एक की हालत गंभीर बनी हुई है। मामला बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के घंटाघर के पास स्थित चांदनी मार्केट का है, जहाँ शुक्रवार की दोपहर को एक कॉफी शॉप में सिलेंडर लीक होने की वजह से अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने एक विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। चांदनी मार्केट के रहने वाले इसरार, उम्र 65 वर्ष, पुत्र अनवार ने चांदनी मार्केट में कॉफी शॉप की दुकान कर रखी है। आज कुछ ग्राहक कॉफी पीने जैसे ही वहां पहुंचे, तभी गैस जलाते समय सिलेंडर लीक होने की वजह से दुकान में आग लग गई। आग से दुकान में मौजूद इस्तेकार, उम्र 45 वर्ष, पुत्र इशाद, और हमजा, उम्र 14 वर्ष, पुत्र आसिफ, असद, उम्र 15 वर्ष, पुत्र राशिद, और अल्फियन, उम्र 16 वर्ष, पुत्र शमीम, बुरी तरह झुलस गए। आग की सूचना जैसे ही आसपास के लोगों को मिली, तो भारी संख्या में लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। विश्वनाथ एक्सप्रेस के साथ आकिफ अंसारी। यहाँ पर 4 लोग हैं, जिसमें 3 बच्चे हैं और एक वयस्क है। उसमें 3 बच्चों में एक हमजा है और एक असद है, एक अफियान है। हमजा 63% जला हुआ है, असद 54% जला हुआ है, अल्फियान 14% जला हुआ है और इस्तकार जो है 30% जला हुआ। जिसमें हमजा और असद की जो ज़्यादा सीरियस है, डर बताए जी। ये मोलेरा भाई है, मोलेरा भाई का लड़का है, खलेरी बहन के लड़के हैं। क्या क्या नाम है इनका? एक का अफियान है, एक का असद है और एक का वो है, क्या नाम उसका, नाम दिमाग से निकल रहा है थोड़ा सा, हमजा नाम है। अच्छा जी, कितनी उम्र है इनकी? लगभग ऐसी होगी 8 साल, 10 साल, 12 साल। ले करने क्या आए थे? ये हमारे साथ फंक्शन के जो कपड़े हैं ना, वो दिलवाने गए थे बच्चों को। अच्छा जी जी जी, वो है रिश्तेदारी है हमारे, तो उनके खास की शादी थी, इसीलिए कपड़े दिलवाने गए थे जी। तो दुकान पर चाय पीने गए थे क्या? ये बच्चे चाय लेने चले गए होंगे, पता नहीं चला। हम तो कपड़े खरीद रहे थे, जब पता चला तो बाद में आग लग गई एकदम से। जब एकदम से हबड़दबड़ी मच गई वहाँ से। आपका क्या नाम है? अब्दुल रहमान नाम है। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।